press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी हाँ दोस्तों, या हैथवे शेयर होल्डर्स और नेटफ्लिक्स देखने वालों के लिए, दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। हैथवे और नेटफ्लिक्स के बीच में आज ही न्यूज़ आई है कि उन दोनों ने टाई अप कर लिया है। इसी के बाद जो हैथवे का शेयर है वो आज 15 से 20% इंक्रीज़ हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेटफ्लिक्स और हैथवे के बीच में जो टाई अप हुआ है उससे पब्लिक को क्या फ़ायदा मिलेगा और कस्टमर्स को क्या सर्विस मिलेगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स और हैथवे का जो साथ पार्टनरशिप हुई है उसमें हैथवे वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। हैथवे ऑफर करेगा अपने सेटअप बॉक्स के थ्रू ये सर्विस, जिसमें उसका जो अलग से रिमोट होएगा और रिमोट में नेटफ्लिक्स का अलग से बटन होगा। जैसे कि दोस्तों, इसके थ्रू कस्टमर्स डायरेक्टली नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। अब मान लीजिए नेटफ्लिक्स के कस्टमर्स बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हैथवे ये सर्विस उनके बीच में जो टाइप हुआ है इससे लोग कस्टमर डायरेक्टली नेटफ्लिक्स अपने टीवी में देख सकते हैं। और जो इसकी फीस सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं नेटफ्लिक्स के, वो भी हम आम बिल की तरह हैथवे के बिल के थ्रू हम वो पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो 31 मार्च 2018 को हैथवे ने अपने 8 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए थे, उसी के साथ नेटफ्लिक्स ने भी अपने 130 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं 190 कंट्रीज़ में। और दोस्तों, अब जो ये डील हुई है इससे हम देखेंगे जो हैथवे के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या फ़ायदा मिलता है, क्या इस शेयर रेट बढ़ेगा इसका या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी सालों से हैथवे बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा था। बट ये डील होने के बाद इस शेयर के चांसेस हैं ये थोड़ा ग्रो करें और इस कंपनी के भी चांसेस है अब ये ग्रो करें, तो ये काफ़ी अच्छी डील मानी जाएगी। तो और दोस्तों, इस चैनल को, हमारे फाइनेंशियल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह बिजनेस न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़ और काफ़ी सारी स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है फाइनेंशियल अड्डा के नाम से, आप उसको भी फॉलो करिए, डेली मोटिवेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही कोई नई वीडियो में। थैंक यू।